ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती, ऐसा सवाल था किसी ने पूछा है और पूरा जोर दे करके पूछा है मेरे से। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने की इसको कोशिश करूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती, तो मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि उनकी बात गलत है या उन्होंने गलत बोला है, बिल्कुल सही बोला है, ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती। और ये बात बोल कौन रहा है? जिसकी पूरी ठीक नहीं हुई है वो बोल रहा है, ठीक है ना। वही व्यक्ति बोल रहा है कि जिसकी ओसीडी पूरी ठीक नहीं हुई है, वह आपको बोल रहा है कि ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती। अब जिसकी हुई नहीं है तो वो तो बेचारा यही कहेगा ना। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने कहाँ पढ़ा था या कहाँ लिखा हुआ है या किसने प्रमाणित किया है कि मैंने फलां फलां यूट्यूब पे वीडियो देखा था, फलां फलां मैंने ब्लॉग पढ़ा था और वहां पे ये आया था वो आया था। तो मैं उनको बोलता हूं कि अगर वहां पे आपको इतना ट्रस्ट है कि ओसीडी कभी पूरी ठीक नहीं होती, आधी ठीक होती है, तो हम ये भी बोल रहे हैं ना कि ओसीडी जड़ से समाप्त होती है। अगर आपने उन पे यकीन किया है तो आप हमारे ऊपर भी यकीन कर सकते हो, तो आपने हमारे ऊपर यकीन क्यों नहीं किया है? इस बात को समझ लेना होगा। अगर इस बात को आप समझ लेते हो ना, तो फिर पता चल जाता है कि आपकी ओसीडी ठीक पूरी होगी या आधी होगी। अब बहुत सारे लोगों को तो नेगेटिविटी के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है, लगता है ना, बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो नेगेटिविटी के साथ जाते हैं और उसको पूरा ऐसा सर्च करते हैं कि कोई 1% भी गुंजाइश ना बच जाए ये होने की वो होने की, और जो पॉजिटिविटी देखते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही बोला जाता है। तो यही डिफरेंस है कि आप अपने माइंड को क्या सर्च करवाना चाहते हो, क्या आप इनपुट अपने अंदर डाल रहे हो। जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट निकल करके आ रहा है। तो इनपुट क्या डाला जा रहा है देख लो, आप ही देख लो इनपुट क्या डाला जा रहा है। क्या डाल रहे हो इनपुट? कि ओसीडी ठीक नहीं होती है, आधी ठीक होती है। तो फिर वो आधी ठीक होगी ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि जो लोग ये बात बोलते हैं वो गलत थोड़ी ना बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस बात पे जोर देते हैं ना कि ओसीडी पूरी ठीक नहीं होती, आधी ठीक होती है, तो उनकी तो आधी ठीक हुई है इसीलिए वो बोल रहे हैं। और जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि ओसीडी आधी ठीक होती है, उनकी आधी भी ठीक नहीं हुई होती। सीधा बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ओसीडी उनकी आधी भी ठीक नहीं हुई होती, ठीक है ना। जिसकी पूरी ठीक हो गई, पूरी ही ठीक होगी, आधी अधूरी वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं, मेरे को ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं सर मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इस नरक में हूँ, मैं इस दलदल में हूँ, मेरे को बाहर निकाल दोगे, मेरे को प्रमाण दे दो, प्रूफ दे दो, गारंटी लेते हो। और जिस दिन वो ठीक हो जाते हैं ना, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि केस हिस्ट्री से पहले जब आप मेरे से ज्वाइन किए थे तो आपने मेरे को क्या बोला था? कहते सर क्या बोला था? मैंने कहा उस दिन बोल रहे थे ना ओसीडी को हराना बहुत मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है, आज बोलो। तो हंसते हैं, हंसने लग जाते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ बोलो अब बताओ, क्या ओसीडी को हराना मुश्किल है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ओसीडी ठीक नहीं होती? हाँ होती है, 100% होती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ जिन्होंने ओसीडी सफरिंग किया है, ठीक भी हो गए हैं। प्रत्येक दिन मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन चलता ही रहता है। तो बातचीत में यह बात निकल करके सामने आती है कि ओसीडी को हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ओसीडी को हरा सकते हैं, ओसीडी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझना पड़ेगा ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ओसीडी को हरा सकते हो, आप ओसीडी को 100% ख़त्म कर सकते हो, परंतु चाहना आपको खुद से पड़ेगा। यदि आप अपनी चाहत को सच्ची रखते हो और पूरे प्राणों से ऊर्जा के साथ मैदान में उतर करके आते हो, तो फिर आप अपनी ओसीडी को हरा सकते हो, सीधी सी बात है। तो आपको यदि ओसीडी को हराना है तो प्रण लेना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। और प्रण लेकर ये आना है कि हाँ मुझे ओसीडी को ठीक करना है, ये नहीं मैं टास्क लेकर के देख लेता हूँ होता है या कुछ नहीं होता है, मैं ट्रायल लेने के लिए आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था ना कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई एक तो घर वालों के दबाव की वजह से करता है कि घर वाले डांटेंगे इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, और एक होता है अपनी इच्छा से जा करके पढ़ना, खुशी खुशी से पढ़ना। तो दोनों बातों में फ़र्क है, वही चीज़ यहाँ हो रही है, ठीक है। समझ लीजिए इन बातों को, अपने जीवन में लागू करिए, आप भी ओसीडी को हरा दोगे, बहुत जल्द हरा दोगे। देखिए आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, ठीक है। तो आपको वो वाला जीवन चाहिए, आपको ये वाला जीवन नहीं चाहिए। तो आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए और अपने आप से ऐसा संकल्प लीजिए कि हाँ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और मैं बहुत जल्दी सिचुएशन को हरा दूंगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।